सिर्फ स्टार्ट कर दो। चलो, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है जैसे कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स इनटू जी एक्स है, तो ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का। अब इसके बेसिस पे तीन चार क्वेश्चन देखेंगे और डिवाइड रूल के बाद उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट। जैसे अगर क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्रोडक्ट रूल। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है अनीश बोलेगा? सर कॉस एक्स। कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आया हमारे पास, सर टू एक्स साइन एक्स इंटू टू, तो फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स। किसको डाउट है? ठीक है, अब जैसे अगर एक क्वेश्चन और आता है कि y इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा e की पावर x इंटू साइन x, तो हमें कौन बोलेगा, कृष्णा बोलेगा? यस सर, तो e x इंटू बोलो d sin d x, e की पावर x इंटू d sin x बाय क्या आएगा, dx dx प्लस साइन x इंटू d e की पावर x बाय dx। कोई डाउट है? नो सर, तो e x इंटू cos x sin x into e की पावर x into cos x plus sin x into e की पावर x। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। बात समझ आ गई कृष्णा? यस सर। चलो अब एक एक चीज और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है हमारा, मेरे को करना है जैसे x square into tan x इंटू e की पावर x, अब कौन बोलेगा, गर तू बोल, डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स को, तो हाँ टेन एक्स इंटू ई की पावर x प्लस टेन एक्स इंटू ई की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है? एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या आएगा हमारे पास, टेन एक्स इंटू डी ई की पावर एक्स बाय डी एक्स, प्रोडक्ट रूल में ई की पावर एक्स डी टेन एक्स बाय डी एक्स। कोई डाउट है? अब यहां पे क्या आया, टेन एक्स इंटू टू। कोई डाउट है कहां पर, e की पावर x, सही, x स्क्वायर tan x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू tan x का sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू टू एक्स इंटू e की पावर x। कोई डाउट है? ठीक है, ये बात समझ आ गई, प्रोडक्ट रूल सबको समझ आ गया है? यस यस सर। अब मैं तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीन क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी फॉर्मूला याद हो जाए। tan x into x square plus 1 फर्स्ट है, दूसरा है ये कहता है sin of 2x into cos square x, थर्ड है e की पावर x sin x into log, इन तीनों क्वेश्चन का करके दिखाएंगे जल्दी से। जल्दी करेंगे, हिमांशु? यस सर। आए क्यों नहीं सर, कोई था नहीं सर छोड़ने के लिए अभी। चलो ठीक है, पापा से बात करा दे रहा हूं। ओके।
अनीश हो रहे हैं क्वेश्चंस की नहीं? सर हो रहे हैं, जल्दी करो। पहले का आंसर सबका ठीक है, चेक कर लो। यस सर, ये आएगा tan x into 2x plus x square plus 1 into x square x। दूसरे का देख लेते हैं एक बारी, d by dx of sin 2x into cos square x, तो क्या आएगा sin 2x into d by dx of cos square x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स। कोई डाउट है? ठीक है, अब यहां पे कैसे करेंगे हम, साइन टू एक्स बिल्कुल ठीक, डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाय डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाय डी एक्स। कोई डाउट है? एक चीज बोलनी है, और दूसरा क्या आएगा, cos स्क्वायर x इंटू डी बाई डी टू एक्स इंटू डी टू एक्स बाई डी एक्स साइन टू एक्स। पहले का क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, साइन टू एक्स इंटू टू कॉस इंटू टू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, प्लस क्या आया, cos square x cos 2x into, कोई डाउट किसी को भी, कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी सर, क्या सर एक चीज बोलनी है सर, अगर हम इसके अंदर sin 2x को 2 sin x cos x के करें तो आंसर में कुछ चेंज आएगा? हाँ लिख कर तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर जो है वो डिफरेंशिएशन के सेम ही होता है, उसको सॉल्विंग करनी पड़ेगी, आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब cos 2x के बाद मल्टीप्लाई बाय 2, क्या cos 2x के बाद 2 मल्टीप्लाई, आप बोलो बोलो बोलो, क्या दिक्कत है, cos 2x के बाद 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, cos 2x का क्या होता है, cos 2x के नीचे 2x है ना, cos 2x का माइनस sin 2x होता है और 2x का 2 होता है। ठीक है, कि बताना है दोबारा? नहीं सर, आगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ex sin x log किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, e की पावर x, e की पावर x इंटू sin x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय प्लस लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स, सॉरी लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल में अंदर इन दोनों में लगे। अब तीसरा क्या आया, साइन एक्स लॉग एक्स बाहर इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस। बात समझ आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, अब डिवाइड प्रोडक्ट रूल सबको समझ आ गया, अनीश प्रोडक्ट रूल समझ आ गया? यस सर। अब हम कर रहे हैं डिवाइड, नेक्स्ट पेज पे देखो, अगर मैंने किया, क्वेश्चन है एफ एक्स बाय जी एक्स, इसको करना है डी बाय डी एक्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जी एक्स का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी। कोई डाउट है? चलो अब कृष्णा। यस सर।
एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो करेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू डी साइन एक्स। नीचे का क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया। साइन एक्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू क्या आएगा साइन एक्स का? डी साइन एक्स अपॉन एक्स। ये तो फिर cos x आ जाएगा। sin x का cos x होता है ना? x। हाँ सर। बात समझ आई? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चेतन तुम बोलो। अगर मैंने बोला कि x स्क्वायर इनटू sin x बाय e की पावर x, कैसे करेंगे? e की पावर x का होल स्क्वायर हो गया। आप e की पावर x इंटू के इन दोनों में क्या लगेगा? एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू टू, ये तो हो गया। प्रोडक्ट रूल क्यों लगाया? दो चीजें प्रोडक्ट विधि। एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स। ये बात समझ आ गई? मेरे को लगता नहीं डिवाइड रूल की ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत है। कराने की जरूरत है एडिशन बताने में। यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। यहाँ पे बच्चे यहां तक सबको आ जानी चाहिए थी ये चीजें। अब जो है डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसके बेसिस पे आप करते जाओगे, मैं आंसर चेक करूंगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ बोलो सर। जो फाइनल आंसर है वो हम इसी फॉर्म में छोड़े या फिर अपना कितने स्कोर सिंपलीफाई भी करें? सॉल्व करके और अब है ना, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है, ये ध्यान रखना आज है ना, खाली काम क्या करना है, 11.2 एक्सरसाइज है, 4 बजे तक कंप्लीट करना है। 4 बजे तक रहेगा, मैं सारे बच्चे बैठेंगे 4 बजे तक, बीच बीच में डाउट देता जाऊंगा और ये सारे काम कंप्लीट करना है। 11.2 एक्सरसाइज है सबके पास ना? Yes, 11.2 को फोटो क्लिक कर लो, अगर फोटो क्लिक करके भेज दे एक बड़ी ग्रुप पे। ठीक है, मैं 11.2 एक्सरसाइज नंबर है वो भेज, सही है? वो जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करनी हो, और कुछ नहीं काम है, और ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुझे बात समझ आ गई है? सर जो नई बुक है उसमें 11.2 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बुक एक्सरसाइज है। नहीं, मैं फोटो शेयर करवा रहा हूँ ग्रुप में, जिसमें 76 क्वेश्चन है। 76 के 76 करने हैं। ओके सर, उसमें ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। नहीं आगे सर, वो नई बुक 11.2 है, 10.37 पेज पे 30 हो रहे हैं। 74 वाले को शेयर मैं शेयर कर रहा हूँ, अब वो वाले क्वेश्चन करना। तनिष्क बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, काम करना है पूरा। अनीश काम कर लेगा ना? यस सर। आर्यमन हो जाएगा? हाँ जी सर। ठीक है, आप एक बारी एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ उसके प्रूफ वाले, ताकि दिक्कत ना आए। एक दो क्वेश्चन दे दो, फोटो क्लिक करिए, वो दे दे एक बार मेरे को 11.2 बुक दे दो। जैसे क्वेश्चंस है ना, मैं कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना। जैसे मेरे को प्रूफ करना है, एक बारी क्वेश्चन देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन आता है y इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस टू। प्रूफ करना है x dy by dx इज इक्वल्स टू y इंटू 1 माइनस y। क्वेश्चन क्लियर है? अर्नव क्वेश्चन क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब dy by dx देख, प्रूफ जो करना है बस उसको दिमाग में रखना। dy by dx कितना आएगा? डिवाइड रूल लगाएंगे। सर डिवाइड रूल लगाएंगे तो x plus 2 का होल स्क्वायर इनटू में x अपॉन में x plus 2 का होल स्क्वायर आएगा, ऊपर x plus 2 इनटू में 1 माइनस का, उसके बाद माइनस x इनटू 1 इन। यस सर। यहां तक बात क्लियर है? 2 अपॉन x plus 2 का होल स्क्वायर। यस सर। अब प्रूफ क्या करना है देखो एक बारी। सर x टाइम्स dy by dx इक्वल्स टू y टाइम्स 1 माइनस, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को। यस सर।
अब किसके बराबर प्रूफ करना है राइट साइड को? सर y into 1 minus y. चेक कर लो y into 1 minus y किसके बराबर है? Yes, sir. y की वैल्यू क्या है बोलो सर? x अपॉन में x plus 2 into 1 minus x अपॉन में x plus 2. कोई डाउट है? नो no, सर. देखो क्या आ गया, 2 अपॉन x अपॉन x plus 2 का होल स्क्वायर आ गया. प्रूफ हो गया? यस सर, हो गया. इसमें कोई दिमाग ज्यादा तो नहीं लगाना था ना? नहीं सर. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा प्रूफ के लिए? आर्यमन बोलोगे? हाँ जी सर. चलो आर्यमन अब तुम बोलो. y की वैल्यू दे रखी है log ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, सही है? प्रूफ करना है आपको dy by dx is equals to x minus 1 by 2x into x plus 1. कोई डाउट है? नो सर. चलो अब मेरे को एक चीज बता, dy by dx निकाले पहले log को सॉल्व करो. log x plus 1 by root x, कोई डाउट? रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो गया, तो ये हो गया हमारा log x plus 1 माइनस log x की पावर हाफ. कोई डाउट आर्यमन? नो सर. y इक्वल्स टू आपका हो गया log ऑफ x plus 1 माइनस हाफ log x. अब dy by dx, ये हो गया d log x plus 1 by dx plus 1 इंटू dx plus 1 by dx minus half into 1 by x. कोई डाउट? नो सर. LCM ले ले. कोई डाउट है तो बताओ. नो सर, नो डाउट. समझ आ गई बात? हाँ जी सर. चलो अब एक क्वेश्चन कौन बोलेगा? मैंने बोला क्वेश्चन आता है, कौन बोलना चाहता है बच्चे बोलो जल्दी. अनीज बोलेगा? यस सर. क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर. प्रूफ करना है 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस y बाय x. ठीक है, बच्चे बात समझिए. ठीक है, आप इसको dy by dx निकालते हैं, डिवाइडर लगा दूं? यस सर, तो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस x स्क्वायर इंटू x sin inverse x का डिफरेंशिएशन इनटू 1 माइनस x स्क्वायर. तो x sin inverse का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x कॉमन इनटू sin inverse x. sin inverse x फिर ब्रैकेट क्लोज फिर x sin inverse x इनटू डिफरेंशिएशन होएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का. तो 1 बाय 2 रूट x स्क्वायर का मैं अलग से कर दूं. तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर में माइनस 2 एक्स. कोई डाउट है? नो सर. अच्छा ये यहाँ पे लिख देते हैं, नेगेटिव आ रहा है ना, 2 से 2 भी कट गया, यानी ये पॉजिटिव कर देते हैं, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं. कोई डाउट है? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है. अच्छा अब मेरे को प्रूफ क्या करना है ये देख ले. लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? सर 1 माइनस x को चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर. क्या करना है सर? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर. तो राइट हैंड साइड में तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर वाला 1 माइनस x स्क्वायर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर * dy / dx आ गया. dy / dx यस सर. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको तो आपका x रह गया. x रह गया यस सर. और फिर आगे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x. रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x. कोई डाउट? नो सर. फिर आगे x स्क्वायर साइन इनवर्स x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर.
अब ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर प्रूव करनी है सर, जो वो लिखा है x स्क्वायर उसके साथ sin इनवर्स x किया है, x को sin इनवर्स y / x प्रूव करनी है, x तो आ गया ना y / x, हां यस सर, तो नहीं सर जो आपने लास्ट टर्म लिखी है ये आ गया 1 माइनस x स्क्वायर, सही है? नो सर, जो आपने लास्ट टर्म लिखी है ब्लैक पेन से ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, उसके अंदर हां sin इनवर्स x है, यहां पे आ गया sin इनवर्स x कॉमन, ये आ गया 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये और ये कट गया, कोई डाउट? नो सर। अब ये राइट साइड देखो क्या आया, x प्लस साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट वन माइनस x स्क्वायर, व्हाट इज दिस? सर ये y / x ही है, y / x के अंदर x होने चले जाएंगे तो y / x आ जाएगा, x प्लस y / x, बात समझ आ गई? यस सर, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? प्रूफ वाले ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, मैंने तीन चार करवा दिए, अब यू हैव टू ट्राई ऑल। अब जो क्वेश्चंस करने हैं अब वो मैं बोल देता हूँ, 11.2 में जो आज का काम वही है, पूरी पूरी एक्सरसाइज करनी है। आप अभी क्या करोगे, वन से लेके 57 तक, 1 to 57 ऑड पार्ट्स कर दोगे सारे, और 57 के बाद जो है वो सारे के सारे कंप्लीट करो। मैंने जो फोटो शेयर की है उसी से करेंगे सारा काम, उसके अलावा नहीं करेंगे, बात समझ आ गई? 57 के बाद सारे प्रूफ वाले सारे, कोई डाउट है? 1 से 57 तक सारे करने हैं, 1 टू 57 तक सारे करने हैं। ओके चलो जल्दी करना स्टार्ट कर दो सर। 1 से 57 ऑड पार्ट्स के सारे, ऑड पार्ट्स, ऑड पार्ट, ठीक है। सर मैंने आपको जो x की पावर x वाला डाउट पूछा था वो आपको समझ आया? अनिश वो क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है यार, मैंने खुद ही ट्राई नहीं किया, सच बताऊं मैं करके बता दूंगा। सर x की पावर x के लिए दोनों साइड लॉग ले लेंगे ना? हाँ सर, x की पावर x के लिए दोनों साइड लॉग ले लेंगे ना? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी छोड़ दो तुम, ठीक है बच्चे? अभी मैं ना क्लास बंद कर रहा हूँ, मैं 245 पे डाउट लूंगा, ठीक है? तब तक ये सारे क्वेश्चन करने हैं, डाउट के लिए मेरे को फोन कर देना। ओके सर, चलो थैंक यू बच्चे।